हम एरोमेटिसिटी स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बैकबोन है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं। तो पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स तक पहुँचने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। इन कंपाउंड्स को हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, CH2, ये एक एल्कीन है और अब तुम शायद इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, इसकी हाइब्रिडेशन भी sp2 है, इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या है sp2 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से ये एक H प्लेन से बाहर, प्लेन से अंदर, प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। और हम जानते हैं ये जो पाई बॉन्ड है दोनों के ही 2p2p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है। अब जरा ध्यान से देखो, यानी कि इसका p ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसका पी ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना है। और तुम जानते हो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाई है, तुम जानते हो कि जब भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो MOT अप्रोच के अकॉर्डिंगली दोनों का फेज सेम हो सकता है। अगर फेज सेम हुआ कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग होती हुई नजर आएगी और बनने वाला सिस्टम मोर स्टेबल होगा, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर है बात? और अगर फेज डिफरेंट हुए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और बनने वाला जो सिस्टम है वो और अनस्टेबल होगा। इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। सिर्फ हमने इन दोनों पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को ही पढ़ा है, बाकी CH से के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट हमने अभी यहाँ पे नहीं अप्लाई किया है। तो इनके दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर फिलअप करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल सेम इसी सिस्टम को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। कैसे? अगर मैं CH2 के एक CH2 पॉजिटिव इसको जोड़ देता हूँ, और हम अच्छे से जानते हैं इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, जब रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड इसके साथ आ सकता है और पॉजिटिव चार्ज इस पे, यानी मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि ड्यू टू द रेजोनेंस जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है तीनों कार्बन के ऊपर। अगर सिमिलर ही सिस्टम साइक्लिक हो, ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड और एक ही पॉजिटिव चार्ज, तो हम जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज भी रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होगा, यानी कि ये इधर जा सकता है पाई बॉन्ड। तो अगर ये इधर जाएगा बेटा तो तुम अच्छे से जानते हो तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पाई बॉन्ड इधर आए, और अगर इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसमें दो बन रहे हैं, इसमें तीन बन रहे हैं। अब ये बात ध्यान से समझो कि इन दोनों में अगर मैंने कंपेयर किया तो मुझे ये मिला कि जो ये वाला सिस्टम है साइक्लिक वाला वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू एसाइक्लिक। तो अगर कभी भी साइक्लिक सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो अपने ही एसाइक्लिक सिस्टम से, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को ही हमने क्या नाम दिया है, एरोमेटिक दिया है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सर क्या ये हमेशा ही ऐसा होगा, तो जरा ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, इसमें भी तो सेम रेजोनेंस बनेंगे, दो इसके बन सकते हैं। सिमिलरली अगर ये ही साइक्लिक सिस्टम होता तो इसमें भी सेम रेजोनेंस बन सकते थे, लेकिन इसका ए साइक्लिक वाला जो है साइक्लिक से ज्यादा स्टेबल है। वैसे हम देख के आइडिया नहीं लगा पा रहे, मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार साइक्लिक वाला ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ए साइक्लिक वाला भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। अगर कोई साइक्लिक सिस्टम अपने ए साइक्लिक सिस्टम के कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हमने क्या नाम दिया है, एंटी एरोमेटिक। अब क्वेश्चन ये है सर कि ये अपने से ए साइक्लिक के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल क्यों है या फिर कम स्टेबल क्यों है, तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक किस बेसिस पर इनको डिफाइन किया है। तो मैं एक एक करके पिक करता हूँ, यहाँ तक मैंने सिर्फ एक ही बात बोली है और वो बात ये है, अगर अपने ए साइक्लिक सिस्टम से मोर स्टेबल है तो वो साइक्लिक सिस्टम एरोमेटिक कहलाएगा, अदरवाइज एंटी एरोमेटिक। तो पहली हेडिंग रहेगी कॉपी में कि व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं, क्या कंडीशंस सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आज हमें पहली बार आंसर ये मिला है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो अपने एसाइक्लिक वाली रेजोनेंस सिस्टम से कंपैरिजन में ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम पहचानते कैसे हैं।
तो पहचाननी क्या है, याद रखना एरोमेटिक कंपाउंड्स को बहुत इजीली पहचाना जा सकता है। जैसे कि तुम्हें मैंने बताया कि सिस्टम जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक। इसीलिए तो तुम पहली कंडीशन क्या पढ़ते हो कि सिस्टम शुड बी साइक्लिक। दूसरी बात, जो साइक्लिक ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल होना जरूरी है, यानी कि साइक्लिक ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ये कोई भी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, मेनली पी ऑर्बिटल्स होते हैं। इस कंडीशन को तभी तुम्हें इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाने पर तुम्हें ऑर्बिटल्स की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है, तुम इतना इजीली पहचान नहीं पा रहे होते हो, इसलिए तुम्हें ये कह दिया जाता है। वैसे तो एक्चुअल पॉइंट ये है, मान लो साइक्लिक सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट एटम है, तो इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरीके से ओवरलैप करने जरूरी हैं, साइक्लिक ओवरलैप होना जरूरी है। और साइक्लिक ओवरलैप कब हो पाएगा, इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं, सिस्टम फ्लैट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, प्लेनर। दैट इज वाई तुमने हमेशा ये कंडीशन पढ़ी है। इस कंडीशन की बजाय तुम्हें ये समझाया गया है बेटा कि जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर। या किसी किसी को तो ये भी बोल दिया होगा कि जो सारे के सारे एटम हैं वो कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मेन चीज ये है कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको तुम कैसे भी बोलो, प्लेनर हो जाए या sp2 हो जाए, तो ये सब एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी बात, जैसे मैंने तुम्हें अभी बना के दिखाया था, क्या मैंने तुम्हें CH2 का ये MO डायग्राम बना के दिखाया था, इनके पायरोबिटल्स का, एक BMO बना था और एक क्या बना था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। हम अच्छे से जानते हैं अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिस्टम मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि बॉन्डिंग, जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अरे यार, छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ाते आ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है होता है नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो हम अच्छे से समझ रहे हैं बॉन्डिंग फुल होना चाहिए और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, यानी कि तीसरी कंडीशन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुड बी फेल्ड, सभी के सभी क्या होने चाहिए, फेल्ड। अब भी कहोगे सर ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, तुमने इसलिए नहीं सुना बेटा क्योंकि तुमने MO डायग्राम तुम्हारे कोर्सेज में ज्यादा मॉलिक्यूल्स के होते ही नहीं है। मैं इन सब के मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, मैंने बताया था जब MOT पढ़ाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, चाहे तुम क्वांटम पढ़ लो, क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ लो, या MOT केमिकल बॉन्डिंग में जाओ, एंड हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी तक ही आता है। सारी चीजें को एक्सप्लेन सिर्फ कौन करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एक्सप्लेन करती है। तो क्वेश्चन ये, सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सारे फील्ड हैं, हम कैसे देखेंगे, छोटे क्लास के बच्चे वो देखेंगे, उन्हें तो MO डायग्राम डायटोमिक्स से ज्यादा आता ही नहीं है कोर्स में। तो इसीलिए तुम्हारे जैसे लोगों के लिए उन्होंने बोल दिया कि उस सिस्टम के पास 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि वो तुम्हें सारी बातें तो नहीं समझा सकते थे डिटेल में, तो इसलिए वो छोटे बच्चों को कहने लगे बेटा उसको हकल रूल याद रखो कि हकल्स रूल फॉलो होना जरूरी है। और तुम हकल्स रूल का मतलब समझते थे कि उस सिस्टम के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4N+2 के बराबर होना चाहिए, जहां N की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, यानी कि उस सिस्टम के पास या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 6 होने चाहिए, एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 10 होने चाहिए। ये तीन कंडीशन तुमने हमेशा बचपन से याद की है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, और आज मैंने बता दिया है कि वो कंडीशन ऐसी क्यों है। समझ में आई बात, क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया है वो ये है कि हकल रूल जो हमें सिखाया जा रहा है वो ये कह रहा है कि 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये रूल 4N+2 ही क्यों है। तो अब हम सीखेंगे why 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे छोटा साइक्लिक सिस्टम कितना मेंबर रिंग हो सकता है, 3। तो मैं बना देता हूं 3 मेंबर रिंग, क्योंकि इन सब का आंसर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही आता है। तो जो बहुत ही छोटी क्लास के बच्चे हैं, यानी कि IIT JEE से छोटी क्लासेस के बच्चे होंगे, IIT JEE या NEET वगैरह के, वो बच्चे इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा टेंशन ना लें, वो बस 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बातों को ध्यान से याद रखें उसे, और बाकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ सुने। लेकिन जो उससे हायर क्लास के बच्चे हैं वो हर पॉइंट को ध्यान से समझे, क्योंकि तुम लोगों को केमिस्ट्री समझना जरूरी है। अब देखो, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बताया गया है, ऐसा हो सकता है, पहला केस, तीनों के जो फेज हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर तीनों पी ऑर्बिटल के फेज पॉजिटिव हुआ तो मैं ये कह सकता हूं, देखो यहां अलग से बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, इसका फेज और इसका फेज, पहली पॉसिबिलिटी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन इन दोनों के बीच में, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, बॉन्डिंग, टोटल बॉन्डिंग इंट्रैक्शन कितने हुए, 3। तो मान लो जो इंट्रैक्शन ज्यादा होते हैं उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम वही होगा, तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी काउंट करते हैं, ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हो गया है बॉन्डिंग इंट्रैक्शन।
लेकिन ये बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग कौन सा है, एंटीबॉन्डिंग प्लस नेगेटिव, और ये कैसा हो गया है एंटीबॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटीबॉन्डिंग एंड दिस इज एंटीबॉन्डिंग। तो ज्यादा बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग कैंसिल कर देंगे तो डोमिनेटिंग कौन सा है एंटीबॉन्डिंग, तो ये वाला जो ऑर्बिटल है वो एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग इंटरेक्शन बराबर हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम कितने बनाएंगे, उतने ही बनाएंगे जितने ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं, तो तीन बनेंगे यानी एक और बनेगा। ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव जो है वो ये वाला हो, अगर नेगेटिव ये वाला है, देखो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग, क्लियर है बात, यानी ये भी, अब इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करो तो ये दोनों की एनर्जी सेम होगी क्योंकि दोनों में एक बॉन्डिंग और दो एंटीबॉन्डिंग है, तो इसके एमओ डायग्राम में एंटीबॉन्डिंग जो दोनों बनेंगे वो सेम एनर्जी के बनेंगे, क्लियर है। तो यानी कि अगर मैंने थ्री मेंबर रिंग की बात की थी, इसके सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड तभी हो सकते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ही इसके पास कितना एक, तो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसीलिए अगर हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है पेपर में और इस कार्बन पे चाहे एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है तो टोटल कितने हो गए, दो और एक तीन, जो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने तीन है, तो तीन है तो यानी तीसरा कहां रहा होगा एंटीबॉन्डिंग में, यानी कि ये अगर यहां एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, ये रेडिकल है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एंटीबॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रॉन और क्या हो गए हैं बढ़ गए हैं, जिसका मतलब ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। तो अगर हम इस पर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल दो है, दैट इज व्हाई दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसके बीएमओ में सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही फिल्ड है और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं दो हो गए हैं, क्लियर है बात। इसी तरीके से जब तुम्हारे पास फोर मेंबर रिंग होगी तो उसमें भी उसमें कितने पी ऑर्बिटल होंगे, तुम देखो जरा, अगर फोर मेंबर रिंग है तो यू हैव फोर पी ऑर्बिटल्स। अब कितने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होंगे, हो सकता है सारे पॉजिटिव हों या इनका एमओ डायग्राम बनाना आसान है। मैं एक बार इसकी और बात कर देता हूँ फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तुम्हें बेटा कि कैसे क्या एमओ डायग्राम बनता है। देखो ऐसा पॉसिबल है चारों के चारों सेम फेज में हो, तो कितने बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो गए 1, 2, 3 एंड 4, तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे कि थ्री मेंबर वालों में तो हमने देखा था, देखो नोड्स को जरूर ध्यान रखना, इसमें एक भी नोड नहीं है, नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गई हैं जीरो, क्योंकि वो तुम्हें हेल्प करेगी आगे एमओ डायग्राम बनाने में। एंटीबॉन्डिंग वाले में कितनी नोड है, देखो जितने एंटीबॉन्डिंग इंट्रैक्शन है प्लस और नेगेटिव के बीच में ये नोड आ गई है और एक ये, तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी है दो। तो साइक्लिक सिस्टम के लिए एमओ डायग्राम बनाने के लिए एक छोटी सी बेसिक बात है वो ध्यान रखनी है, वो ये है कि नंबर ऑफ नोड्स 2-2 करके इंक्रीज होंगी, यानी तुम जानते हो अगर ये बीएमओ बना है इसमें नंबर ऑफ नोड्स मैंने कितनी बताई है जीरो, तो तुम जानते हो इसके बाद जो भी बनेगा उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी दो होंगी, और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तुम्हारे टोटल चार बनेंगे। अब एनर्जी का हम डिसीजन इसी बेसिस पे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया दोनों बराबर थे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, तो नेक्स्ट वाला जब मैं बनाऊंगा, और दूसरी बात नंबर ऑफ नोड्स दो दो करके इंक्रीज करने हैं प्लस जो नोड्स हैं वो सिमेट्रिकल रखनी होती है हमेशा, यानी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट पेरिसाइक्लिक में भी आकाश सर ने समझाया होगा किस तरीके से बनता है इनका एमओ डायग्राम, और क्वांटम में भी जेबी सर ने इसका थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा। तो तीन बार पढ़ लोगे एग्जाम तक जाने अलग अलग टीचर के अलग अलग तरीके से, तो कोई भी तरीके से बात समझना है हमें। देखो तो यानी कि नेक्स्ट वाले में दो नोड होंगी और सिमेट्रिकल रखनी है, तो मैं किस तरीके से, ये बातें ध्यान रखते हुए मैं एमओ डायग्राम बना रहा हूं, तो ऐसा पॉसिबल है, देखो प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गई है नोड, इन दोनों के बीच में एक नोड है, इन दोनों के बीच में भी एक नोड है, ये पूरा एक नोडल प्लेन बन जाएगा इसमें। तो ये वाला इंट्रैक्शन बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग, ये वाला एंटीबॉन्डिंग, ये वाला एंटीबॉन्डिंग, तो दो बॉन्डिंग दो एंटीबॉन्डिंग, इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो है ये नॉन बॉन्डिंग बना है। नोड्स कितनी है जीरो दो। इसके अलावा देखो इसमें जब यहां पर नोड्स हो सकती है इस तरीके से, दूसरी पॉसिबिलिटी इन दोनों के बीच में यहां से भी नोड्स पॉसिबल है, यानी कि अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी बना सकता हूं कि जो नोड्स है वो इस बार इस तरफ आए, और इस तरफ आने का सीधा मतलब ये हो सकता है प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव। अब दोनों में बॉन्डिंग इंट्रैक्शन 1-2, एंटी बॉन्डिंग 1-2, तो दो नॉन बॉन्डिंग बनेंगे बिल्कुल इक्वल एनर्जी के। तो यानी कि नॉन बॉन्डिंग में नंबर ऑफ नोड्स कितनी है दो है, और तुम जानते हो इससे आगे वाला जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, आंसर इज 4, और 4 का तो एक ही पॉसिबिलिटी बन गई बेटा। कैसे 4 की पॉसिबिलिटी ये है प्लस नेगेटिव सबके बीच में एंटीबॉन्डिंग 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 नंबर ऑफ नोड्स 4, ये है एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा।
अब फोर मेंबर रिंग में जरा ध्यान से समझो, साइक्लिक तो है ही है, बीएमओ कंप्लीट, बीएमओ है कितने इसके पास, एक है। तो यानी अगर फोर मेंबर रिंग हमें पेपर में कभी दी है और इसके पास दो है इस तरीके से, तो क्या ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है? ये तो हमारे पेपर में क्वेश्चन होते हैं, हम कुछ कुछ रूल लगाते हैं, क्या ये प्लेनर कंपाउंड होगा? क्योंकि इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, sp3 हो गई है, तो इसको प्लेनरिटी वाले रूल से बाहर कर देंगे, क्योंकि पी और अगर ये दोनों sp3 है तो सारे पी ऑर्बिटल जो है एक ही प्लेन में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अगर हम इसको sp2 बनाने के लिए यहां इस तरीके से बना देते हैं, अगर इसको हम इस तरीके से बना देते हैं, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, फोर, फोर इलेक्ट्रॉन को तुम जब भरोगे, देखो 1, 2, 3 एंड 4, तो अब नॉन बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो ये एरोमेटिक नहीं हुआ है, ये एंटी एरोमेटिक है। देखो जैसे एरोमेटिक के लिए 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सारे रूल फॉलो करते हैं, साइक्लिक वाले, साइक्लिक होता है पहली कंडीशन, प्लेनर होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन जो 4n+2 की जगह रट ले, याद रख लेना 4n इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, जिसके पास 4n पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को ही ये कहा जाता है ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिसको तुम तभी समझ सकते हो जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी एमओ डायग्राम में इलेक्ट्रॉन भरोगे तभी तो पता लगेगा, अदरवाइज यहां देख के तुम बता दोगे क्या पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक एंटी पैरामैग्नेटिक है, सॉरी एरोमेटिक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां इसी बात पे फोकस कर रहा हूं, तुम्हें मैंने ये कंपाउंड दिया, मैंने इसको बना के दिखाया तुम्हें, बताओ इसके पास ये एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक, तो सबसे पहली बात इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं दो पाई में और ये दो रेजोनेंस में हो गए हैं 4, तो एन की वैल्यू 1 आती है, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक वाले को फॉलो करता है। लेकिन पहले चेक कर लेना, साइक्लिक सिस्टम है, प्लेनर सिस्टम है, तो एंटी एरोमेटिक है, और ये भी कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इसका अगर तुम एमओ डायग्राम देखोगे, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एमओ डायग्राम पी ऑर्बिटल्स की वजह से बन रहा है। अब इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 2 यहां 2 यहां, तो एंटी एरोमैग्नेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब बात ये है, इतने सारे एमओ डायग्राम सर हम बनाएंगे कैसे और याद कैसे रखेंगे, क्या ये सारी सिरदर्दी हमें पेपर में करने की जरूरत है? तो आंसर इज नो। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूं, किसी का भी एमओ डायग्राम आप डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, यानी कि वो याद रखने का एक तरीका हुआ, एक ट्रिक हुई। देखो हम क्या करेंगे, जिनका भी हमें एमओ डायग्राम बनाना है साइक्लिक वालों का, तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स को बना बना के नहीं चेक करेंगे, हमें बस ये बात ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल मुझे 3 मेंबर रिंग के लिए बनाना है फिलहाल यहाँ पे एक एमओ डायग्राम, तो हम जानते हैं 3 मेंबर रिंग इस तरीके से होती है। तो ट्रिक जो है वो याद करने की वो ये है कि तुम लोगों को, होल्ड ऑन सेकेंड, ओके, सो द ट्रिक इज ये जो एक सर्कल है इसको बनाओ, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींचो जो नॉन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है, इससे नीचे जो भी ऑर्बिटल होंगे वो बॉन्डिंग, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, तुम्हें इस ट्रायंगल को इसके अंदर फिट कर देना है इस तरीके से। तो ये आ गया है इसका बीएमओ डायग्राम, कॉर्नर रिप्रेजेंट ऑर्बिटल, ये है एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ नोड्स 2-2 करके बढ़ेंगी क्योंकि पेपर में बनाने को तो आएगा नहीं, 2 0 नोड्स फर्स्ट वाले में, 2 नोड्स। अगर 4 मेंबर रिंग है तो 4 मेंबर रिंग के लिए अगर तुम्हें मैं कहूं एमओ डायग्राम कैसा होगा, तो 4 मेंबर रिंग को इसको इस तरीके से बनाना, मैं विद अ पर्पस चीज को समझा रहा हूं, ऐसे मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि इसको सर्कल में इसी तरीके से फिट करना है। ये बन गया है सर्कल, दिस इज योर नॉन बॉन्डिंग, तो अगर हम स्क्वायर को फिट करेंगे तो बिल्कुल यहां से इस तरीके से फिट करना, इसका मतलब जब 4 मेंबर रिंग साइक्लिक वाले का एमओ डायग्राम बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये एंटी बॉन्डिंग, सॉरी नॉन बॉन्डिंग, ये भी नॉन बॉन्डिंग, और ये क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ नोड्स की बात करेंगे तो इसमें 0 होंगी, इन दोनों में 2-2 नोड होंगी, और इसमें क्या होंगी, 4 नोड्स होंगी। तुम यहां से ये भी बात समझ सकते हो कि अगर 3 मेंबर रिंग है उसको एरोमेटिक होने के लिए 3 मेंबर रिंग में बीएमओ फील्ड होना चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, बताओ ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, इनमें से कौन एरोमेटिक है,
या एंटी एरोमेटिक है। तो हम जानते हैं इसके पास दो पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता है। और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए दोनों के लिए प्लेनर चाहिए होता है, तो फॉर नाउ तुम इसे नॉन एरोमेटिक कह सकते हो। तुम जानते हो इसके पास दो पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक प्लेनर BMO फील्ड, दिस इज एरोमेटिक। इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होंगे, दो यहां पर और एक यहां पे आएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक। जैसे कि मैंने बताया है एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेंगे और एरोमेटिक 4n+2, और n की वैल्यू कोई होल नंबर हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, तभी। तो पेपर में ऐसे ही तो क्वेश्चन आते थे। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फोर मेंबर पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब तुम बताओगे कि फोर मेंबर रिंग को कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तुम जानते हो फोर मेंबर के पास भी एक ही BMO है, एक ही BMO है, तो यानी तुम जानते हो अच्छे से कि सर ए दो ही पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तभी दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, एक ही ऑर्बिटल फिल्ड हो जाएगा कंप्लीटली। लेकिन अगर एक ही पाई बॉन्ड होगा तो ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, और इसका मतलब ये है ये कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता है, ये नॉन एरोमेटिक रहेगा। अब इसको एरोमेटिक तभी बनाया जा सकता है, मान लो मैं कहूँ यहाँ भी बना देते हैं, अब ये कंपाउंड पूरा प्लेनर जैसा तो साउंड हो रहा है क्योंकि sp2 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 और sp2, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं 4, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया है। और जैसे ही चार इलेक्ट्रॉन भरोगे 1, 2, 3, 4 पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा। तो तुम चाहते हो कि सर फोर मेंबर्ड साइक्लिक रिंग एरोमेटिक की तरह बिहेव करे, तो याद रखना दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आना जरूरी है, तभी ये प्लेनर और टू पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेगा इसके पास। बात समझ में आ रही। सिमिलरली अब हम फाइव मेंबर रिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिंग को मैं जानबूझ के ऊपर ऐसे बना रहा हूँ जैसे इनको सर्कल के अंदर फिट करना है, क्लियर है। तो फाइव मेंबर रिंग अगर इस तरीके से मैंने बना दी है, दिस इज नॉन बॉन्डिंग, बिल्कुल इसी तरीके से इसको फिट कर देते हैं यहाँ पे। मैंने बताया है कि इसे नीचे जो होंगे लाइन से वो बॉन्डिंग होंगे। तो अब यहाँ पे हमें ये समझ में आया सर ये भी आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता रहे हो, ये भी BMO हुए आपके हिसाब से, तो फिर इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इस BMO में नंबर ऑफ नोड्स कितनी है 0, लेकिन इनमें कितनी होंगी 2 नोड होंगी, क्लियर है, इसलिए इनकी एनर्जी हायर है। ये हो गए हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी 4 हो जाएंगी। बिल किस तरीके से बनेंगे, जैसे इन दोनों के तो मैंने बना के दिखाए हैं, ये वाले की PDF जो है इसी ऐप पर, इसी चैनल पर, इसी वीडियो में लिंक होगा PDF का, उसका आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां मैंने इसको पांच ऑर्बिटल लेके बना बना के दिखाए हैं कि पांच जो MO हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से बनते हुए नजर आएंगे, जैसे इन दोनों के मैंने बना के दिखाए थे। पेपर में उसको बनाने की जरूरत नहीं होती है, पर अंडरस्टैंडिंग होगी तो कॉन्फिडेंस रहता है, नेट गेट वाले बच्चे देख लें एक बार उसको। अब देखो अगर फाइव मेंबर रिंग को एरोमेटिक होना है तो 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। अगर मैं सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बनाता हूं फाइव मेंबर में तो ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं हुआ। 2 डबल बॉन्ड बना देता हूं तो भी ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये तो तुमने देख लिया 2+2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तुमने ये नहीं देखा कि ये तो sp3 छोड़ दिया तुमने। तो यह बात ध्यान रखना, पहले शुरू की कंडीशन है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली कंडीशन बाद में है। अगर मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दूं अब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और साइक्लिक है और प्लेनर है। और अगर 4 हैं तो देखो 2 इसमें आएंगे, एक इसमें कैसा रहेगा पैरामैग्नेटिक क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे। तो अगर इसको एरोमेटिक होना है तो उस पर कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कुछ लोग इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर ये देखो अगर आपने इस पर एक नेगेटिव चार्ज बना दिया और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो हाइड्रोजन sp3 होनी चाहिए। लेकिन मैंने वहीं समझाया था, केमिकल बॉन्डिंग देखने के बाद ही इन लेक्चर्स को देखो, GOC तभी समझ में आएगी अच्छी। तो ये वाले लोन पेयर जो है ये लोकलाइज नहीं है इस कार्बन पे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट नहीं करते हैं, ये इसको इन्वॉल्व नहीं करेगा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही हुआ, प्लेनर है। 2, 4, 6 ये हो गया है 5 मेंबर के लिए एरोमेटिक कंपाउंड कैसा नजर आता होगा। अगर हम 6 मेंबर की बात करते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं सर्कल, नजर आ सभी को ये यहीं पे रहेगा, और 6 मेंबर के लिए इस तरीके से ये होगा उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, यानी BMO एंटी बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग नंबर ऑफ नोड्स 0, 2, 4 एंड 6। तो 6 मेंबर रिंग को प्लेनर होने के लिए इसके पास भी 3 ही BMO है तो 6 होने चाहिए। तो तुम अच्छे से जानते हो 6 का मतलब है बेंजीन, बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है 6 मेंबर होने के बावजूद भी। ऐसे ही 7 और 8 मेंबर को भी समझा जा सकता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम 7 मेंबर का बनाने की कोशिश कर रहे हैं डायग्राम, तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी ये है बात जाननी, 3 मेंबर के पास एक बॉन्डिंग बीएमओ है, 4 मेंबर के पास भी एक है, 5 मेंबर के पास 3 है, और 6 मेंबर के पास भी कितने हैं, 3 बीएमओ हैं। क्योंकि बीएमओ से ही हमें काफ़ी आइडिया लग रहा है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसमें एक पाई बॉन्ड लगा के बोलेंगे जो होमो है या ल्यूमो है, होमो ल्यूमो का आइडिया मैंने तुम्हें बताई कि एमओटी देखो बेटा, यानी केमिकल बॉन्डिंग देखने के बाद यहाँ पे आओ। अब इसके बारे में बात करें, 7 मेंबर रिंग जो है उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो ये तो हो गया नॉन बॉन्डिंग। 7 मेंबर में इस तरीके से 2, 4, 6, 7 यानी बीएमओ, अब बनाने जा रही है बीएमओ है, एंटीबॉन्डिंग जो इस लाइन से ऊपर है, एंटीबॉन्डिंग। बात समझ में आ गई है। तो नोड्स की बात करेंगे, 0 इसमें है, इन दोनों में 2 होंगी, इनमें 4 होंगी, और इसमें कितनी होंगी, 6 होगी। तो 7 मेंबर को भी के पास भी अगर हम 7 मेंबर रिंग बनाएं, इस तरीके से बनाते हैं, उसके पास भी 2, 4, 6 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी प्लेनर होने के लिए इस पर कैसे चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, प्लेनर हो पाएगा। तो तुम याद रख सकते हो 7 मेंबर के पास भी बीएमओ कितने हैं, 3 हैं। और लास्ट में इसको बता देता हूं 8 मेंबर वाले को, 8 मेंबर वाला इस तरीके से होगा, तो ध्यान से देख लो इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। बीएमओ बीएमओ बीएमओ, एंटीबॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग, नंबर ऑफ नोड 0, 2, 4 एंड सॉरी कितने बना दिए, तो देखो तुम्हें यहां जरूर यह बात सीखनी चाहिए कि नॉन बॉन्डिंग भी है इसमें, इस तरीके से हो गए 8 मेंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यह है बीएम, यह है नॉन बॉन्डिंग भी है इसमें 2, ये याद रखने का तरीका है, और बहुत शुक्रिया बोलना चाहिए तुम्हें मुझे इस तरीके को सिखाने के लिए। तो बीएमओ में 2, 2, 4 0 नोड, इन दोनों में 2 नोड होंगी, इनमें 4 होंगी, इसमें 6 होंगी, इसमें कितनी नोड होंगी, 8 नोड होंगी, और यानी हम देख सकते हैं इसके पास भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल टोटल कितने हैं, 2, 2, 4 और 2, 6 हैं। तो अगर 8 मेंबर रिंग है इस तरीके से, और तुम ऑल्टरनेटिव पोजिशन पर ये इस तरीके से बना देते हो, और मैं पूछूं ये कंपाउंड कैसा है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ हमें यही आंसर करेंगे बेटा, उनका आंसर होगा सर ये जो है ये हो गया है प्लेनर और 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, एंड आंसर इज रॉन्ग। याद रखना कभी भी 8 मेंबर्ड रिंग या 8 से ज़्यादा कभी भी आ जाए, वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन 6 मानते हैं, 6 से ज़्यादा कभी भी, नॉट 6 8 एग्जैक्टली, 8 से स्टार्ट करते, 8 मेंबर्ड रिंग और या उससे ज़्यादा कभी भी तुम्हें नज़र आए पेपर में, चाहे वो 4n प्लस रूल फॉलो करते हों, वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा ही प्लेनैरिटी को लूज़ कर देंगे। तुम जानते हो इसका डिटेल भी आएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इस तरीके से क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो याद रखना कि कभी भी 8 मेंबर या उससे ज़्यादा वाली रिंग तुम्हें नज़र आए, तो एंटी एरोमेटिक, उससे ज़्यादा लंबी रिंग हो, 9 मेंबर 10 जितना भी हो, उनको कभी भी बेटा एंटी एरोमेटिक नहीं करना है। नोट करके इस बात को लिख लेना, क्योंकि वो अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देते हैं, उसका रीजन अभी आएगा, क्योंकि COT साइक्लोक्टा टेट्राइन जो है टब शेप्ड है, काफी सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे, इसको भी हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इस तरीके का होता है। तो ये नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल हो चुका है। अगर तुम एरोमेटिक देखना चाहते हो, तो 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव, दिस कंपाउंड कैन बी एरोमेटिक। लेकिन अगर तुम सिर्फ COT साइक्लो ओक्टा टेट्राइन की बात करोगे, तो यानी कि प्लस नहीं लगाए अगर, तो इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। और अगर तुम इसे एरोमेटिक बनाना चाहते हो, तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, n की वैल्यू 0 पे 2 हो सकते हैं, तो या फिर n की वैल्यू 1 हुई तो 6, 2 हुई तो 10,
यानी कि अगर तुम दो इलेक्ट्रॉन और ले आओगे यहाँ पे इस तरीके से, अब भी बॉन्डिंग सारे फिल्ड हैं, नॉन बॉन्डिंग का बॉन्डर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो अगर COT पे टू नेगेटिव चार्ज भी आ जाए तो भी ये प्लेनर बन जाएगा, क्योंकि इससे इसमें एरोमेटिसिटी आती है। तो CO2 पे टू पॉजिटिव चार्ज हो या टू नेगेटिव चार्ज हो, वो उसको एरोमेटिक बनाता है। मैं बहुत ही डेप्थ में ऑफ सब्जेक्ट के जो है वो जा चुका हूँ, जितनी हमें पेपर में कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। पेपर के क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, लेकिन मैंने हमेशा ही कहा है सिर्फ तुम अगर मेरी क्लास की बातें सुनते जा रहे हो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इस क्लास का 50% भी समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सब्जेक्ट को सुधारने के लिए। तो साइक्लिक मैंने तुम्हें अभी तक क्या सिखाया है, तुम आज के बाद किसी भी साइक्लिक मेंबर का 3, 4, 5, 6 इससे ज्यादा कभी आता ही नहीं। अच्छा, मैं ये भी पूछ सकता हूं कि जो COT है अगर टू नेगेटिव चार्ज है तो इसके होमो की डीजेनरेसी क्या है। डीजेनरेसी समझते हो, डीजेनरेसी वर्ड होता है कि सेम एनर्जी वाले कितने ऑर्बिटल हैं, एक तरीके से यहां पर यह मीनिंग हो। तो होमो है ये वाले नॉन बॉन्डिंग, और कितने हैं इसमें, दो हैं, ये दोनों की एनर्जी बराबर है। और अगर मैं इसके लिए पूछूं कि ल्यूमो में कितनी डिजेनरेसी है, ल्यूमो है ये लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, दो हैं। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, 8 मेंबर वगैरह के लिए तो नहीं आएंगे, और अगर आप भी जाते हैं तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ओके, अब क्वेश्चन है कि सर अगर ए साइक्लिक सिस्टम है उसका एमो डायग्राम कैसे बनता है। तो ए साइक्लिक सिस्टम में हमारे पास इस तरीके से, देखो बेटा, 3 पी ऑर्बिटल थे, CH2 पॉजिटिव, इस टाइप का कोई सिस्टम था। तो हम जानते हैं इसका एमो डायग्राम मैंने तुम्हें बना के दिखाया भी है पहले, पॉसिबिलिटी है। देखो, 3 एमो डायग्राम, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, पहली बात समझ लेना, ठीक है। अब जब 3 बनेंगे तो एक तीनों पॉजिटिव हो सकता है, तो क्या बन सकता है, BMO। इसमें ध्यान रखना ट्रिक क्या है, BMO कैसे बनेगा, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, तीनों ऑर्बिटल इस तरीके से और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी एक भी नोड नहीं, नंबर ऑफ नोड 0। इनको बनाने का तरीका बेटा ये है कि नोड्स की जो नंबर है वो 1-1 करके बढ़ाते जाना है, सिमेट्रिक रखने की कोशिश करना है जहां तक पॉसिबल है। नंबर ऑफ नोड्स इस बार 1 होनी चाहिए, 3 पी ऑर्बिटल यानी प्लस प्लस नेगेटिव। सिमेट्रिक तो तुम रख ही नहीं पाओगे, या तो नोड इस तरफ आ जाएगी या इस तरफ आ जाएगी। अब देखो, ये बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, एक एंटी बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, एक एंटी बॉन्डिंग, तो ये कैसा हो गया, नॉन बॉन्डिंग हो गया है। इसके अलावा नोड्स 2 भी हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं 2, देखो, प्लस नेगेटिव प्लस, ये एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, ये एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, तो ये वाले में 2 एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो गए हैं, तो ये इससे भी हाई एनर्जी का होगा, BMO से ऊपर NBMO, और नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो गई है इसमें, 2, और इसमें ये आएगा इस हायर एनर्जी में। बात समझ में आ गई, इसकी ट्रिक समझाता हूँ क्या है। ए साइक्लिक में कभी भी तुम्हें अगर बनाना हो एमो डायग्राम, तो ये बात ध्यान रखना, जितने पी ऑर्बिटल हैं उन सबको लिख लो, उसके बाद नंबर ऑफ नोड एक एक करके बढ़ाते जाओ, और जितना सिमेट्रिक रखने की कोशिश कर सकते हो रख लेना। और तुम चाहो तो ये भी बात समझ सकते हो कि पहले वाले सेट में दोनों कॉर्नर वाले प्लस प्लस रखो, फिर प्लस नेगेटिव, फिर प्लस प्लस, ऐसे ही हर किसी में, चाहे 4 मेंबर हो चाहे 5 मेंबर हो, प्लस 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 माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 माइनस, इस तरीके से बना सकते हो। ये ट्रिक्स हैं जो वर्क करती हुई नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमसे कहूँ ये लो, ये हो गया है 4 मेंबर वाला, इस तरीके से ये होता है ब्यूटाडाइन। अब मैं तुमसे इसका कह रहा हूँ, इसका एमो डायग्राम बनाओ, तुम जानते हो इसके पास कितने पी ऑर्बिटल हैं, 4 हैं, इलेक्ट्रॉन तो फिल करने हैं 4, तो वो बाद में भर लेंगे, भरने में कुछ नहीं जा रहा। अब एमो डायग्राम कैसे बनेगा, इसके पास कितने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, तो मैंने बताया कि सबसे पहले चारों को ही पॉजिटिव, मैं यहाँ लिखाता हूँ इस तरीके से, बनाता हूँ, देखो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी बॉन्डिंग 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 इंट्रेक्शन, यानी BMO में नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए हैं, 0। तो मैंने बताया इसको प्लस और कॉर्नर वाले को प्लस। अब दूसरे वाले में अपने आप ही ये प्लस है, तो कॉर्नर वाला नेगेटिव कर देना। अब तुम जानते हो कि नोड आएगी 1, तो एक नोड कैसी लाई जाए, सिमेट्रिकल। तो पॉसिबिलिटी है प्लस, ये बॉन्डिंग रखो, ये बॉन्डिंग रखो, इसको क्या कर दो, एंटी बॉन्डिंग, तो आ गई एक नोड बीच में। और सीधी सी बात है, तुम इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम इन चारों को ऐसे ही बना लो, ये लो जैसे यहां पे बनाते हुए हैं, 4 पी ऑर्बिटल, एक नोड सिमेट्रिकली अपने आप ही बना लो यहां पे,
अब तुम्हें अपने आप समझ में आएगा, नोड आने का मतलब है ये प्लस नेगेटिव होगा, और प्लस नेगेटिव होगा तो ये प्लस प्लस होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव होंगे, क्योंकि हमें एक ही नोड रखनी है इसमें। दैट मीन्स दिस इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो जो नेक्स्ट बना है वो भी BMO बना है, नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो गई है 1। अब नोड आनी चाहिए 2, तो मैं पहले जानता हूँ दो नोड लानी है सिमेट्रिकल सा दिखता हुआ बने, तो दो नोड्स कहाँ पे आएंगे सिमेट्रिकल, एक इधर और एक इधर। अब इनको सिमेट्री पे लाने के लिए तुम अच्छे से जानते हो कि मान लो भाई ये है प्लस, मैं वैसे ये भी बता चल रहा हूँ कि प्लस 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 माइनस, तो ये प्लस प्लस आएगा, तो ये माइनस माइनस कर देना। एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इंट्रेक्शन 2, बॉन्डिंग इंट्रेक्शन 1 हो गया है, इसका मतलब ABMO बनेगा। और लास्ट वाले में 3 नोड्स, क्योंकि नोड्स की नंबर बढ़ते बढ़ते 3 नोड्स कैसे आएंगी, तो 3 नोड्स बहुत ही इजीली आप लोग बना सकते हैं, 1, 2 एंड 3। क्लियर है, बन जाएगा बेटा। तो 3 नोड्स के बाद कैसे, बट प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो कॉर्नर वालों पे अगर ध्यान दो, प्लस 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 नेगेटिव प्लस 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 नेगेटिव, इस तरीके से बना सकते हो। सिमिलरली बेटा तुम 5 मेंबर के लिए, 6 मेंबर के लिए भी ट्राई कर सकते हो, इसका PDF जो दिया हुआ है उसमें मैंने सारे ऐसे बनाए हुए हैं और तुमसे सारे ऐसे बन जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन तुमसे ये रहेगा कि सर अगर इसकी बात हम कर रहे थे अभी, हमने जब इसको कहा तो सर इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो BMO जो है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसकी बात कर रहे थे तो इसके बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो भाई जब दोनों की बॉन्डिंग, इसमें भी फील्ड है, इसमें भी फील्ड है, आपने कैसे कह दिया कि जो ये वाला सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले तो क्वेश्चन ही समझो कि जब दोनों ही का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी आपने बना दिया, दोनों के पास एक BMO है, इसके पास भी एक BMO, इसके पास भी एक BMO, इसके पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, और दोनों के ही BMO में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तुमने कैसे कहा कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो यहां मैं अब तुम्हें सिखा रहा हूं कि जब मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा बिटवीन ए साइक्लिक एंड साइक्लिक सिस्टम, मैंने क्यों कहा था अगर साइक्लिक सिस्टम मोर स्टेबल है तो ही वो एरोमेटिक कहलाएगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने यहां पर है। देखो सबसे पहले यहां मैं कंपैरिजन बिटवीन ए साइक्लिक और साइक्लिक में पहले ए साइक्लिक बना देता हूं इस तरीके से। देखो तो अब मैं, तुम अच्छे से जानते हो, एक बनेगा इसका BMO जिसमें तीनों के तीनों जो हैं वो पॉजिटिव पी ऑर्बिटल है। एक एक बात को चाहे 10 बार लिखनी पड़े सीखो, प्लस प्लस और प्लस। एक बनेगा NBMO क्योंकि हम जानते हैं एक बॉन्डिंग इंट्रेक्शन होगी और एक एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग, और एक बनेगा इसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले का, पॉजिटिव चार्ज नहीं लेते फिलहाल, प्लस नेगेटिव प्लस एंटी बॉन्ड। ये बढ़ती हुई एनर्जी है बेटा, इसलिए मैंने हमेशा इनको इसी ऑर्डर में बनाया है। अब मैं तुमसे बात करता हूं कि सर क्या हम इसी का ही साइक्लिक एनालॉग बना लेते हैं इस तरीके से? तो हम जानते हैं कि जब तुम इसका बॉन्डिंग बनाते हो पहला वाला, जरा ध्यान से देखो, प्लस प्लस प्लस, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। इसके केस में बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितनी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन से बना हुआ है BMO? 2। इसके केस में जो BMO बना कितनी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन से? 3। दैट इज वाई जो साइक्लिक वाले का BMO है वो लोअर एनर्जी में आएगा। इससे ऊपर वाला जो हमने बनाया, इससे ऊपर वाले में हमने क्या किया? प्लस प्लस नेगेटिव। अब ये वाला इसमें जो है एक बॉन्डिंग इंट्रैक्शन था और 2 एंटी बॉन्डिंग, तो एक बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। इस वाले में देखो जरा, इसमें क्या है? 2 एंटी बॉन्डिंग। अगर सिर्फ 2 एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होते हैं तो एनर्जी यहां होती है, इसमें 2 एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है लेकिन एक इंट्रैक्शन क्या है? बॉन्डिंग का भी है, तो ये स्लाइटली जो इसके 2 एंटी बॉन्डिंग बन रहे हैं इसके एंटी बॉन्डिंग से लोअर एनर्जी के होंगे। इस तरीके से हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, तुम्हारे पास जो ये स्पीसीज है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास लोअर एनर्जी में है? तो आंसर है सर इस वाले सिस्टम के पास। दैट इज वाई द साइक्लिक एनालॉग इज मोर स्टेबल, ठीक है। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे याद रखना उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होंगे, वो हमेशा ही क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। अगर मैं इस प्लस की जगह नेगेटिव कर दूं, देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो चेंज किए तुमने, तो 1, 2, 3, 4 ये इस तरीके से नॉन बॉन्डिंग में आ गए हैं, लेकिन इसके पास 1, 2, 3,
थ्री एंड फोर यहां इस तरीके से आ गए हैं, इसके पास कहां गए हैं, एंटी बॉन्डिंग में आ गए हैं और दो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई ये अब एंटी एरोमेटिक है क्योंकि फोर पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। एंटी एरोमेटिक सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे, सेवन मेंबर से ज्यादा वाले रिंग में एंटी एरोमेटिक बन ही नहीं सकते हैं, चाहे वो फोर एंड रूल फॉलो करते हो, चाहे वो तुम्हें प्लेनर नजर आ रहे हो बोर्ड पे, और जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो जो है हम उनको बोलते हैं वो बाई रेडिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। बाई रेडिकल मतलब, रेडिकल मतलब होता है जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, बाई रेडिकल मतलब जिसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो वीबीटी इस बात को कभी नहीं समझा सकती थी कि भाई ये बताओ ये पैरामैग्नेटिक कैसे हुआ, जैसे वीबीटी कभी ये नहीं बता सकती थी कि O2 पैरामैग्नेटिक क्या हुआ। तो यहाँ एमओटी अप्रोच से हमने समझने की कोशिश की है व्हाट आर, अब तक मैंने सिर्फ समझाया व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो अपने साइक्लिक सिस्टम से स्टेबल और अनस्टेबल होते हैं, और दूसरी बात कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, और एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, और उस कंडीशन को आज हमने जाना साथ में कि क्यों ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात थी, क्योंकि बॉन्डिंग मोनिक ऑर्बिटल फिल्ड होने चाहिए उनके बारे में। अगर सिस्टम 7 मेंबर जो एक एक बातें बताइए ना कॉपी में लिख लो, तुम इन्हीं में गलती करते हो, कोई क्वेश्चन एग्जाम का ऐसा हो नहीं सकता, मैं हजार बार बोल चुका हूं जो इस क्लास से कभी बाहर आ जाए, जो मैंने बता दिया है कोई भी किताब में तुम्हें मैंने कभी कहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम पूछते हो मेरे से, इसलिए मैं कह देता हूं मैं हर चीज यहां कवर करा दूंगा, तुम बस टेंशन छोड़ के मैं जो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा केमिस्ट्री में उनको प्लीज समझने की कोशिश करो, रटने से काम नहीं चलेगा, केमिस्ट्री के साथ हम जुड़ चुके हैं, अब हम केमिस्ट्री को धोखा नहीं दे सकते। हम ये नहीं सोचते चलो क्या पता चल रहा है इसको रट के चले जाते हैं पेपर में छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे आगे भी तो आएगा। पेपर क्लियर होने के बाद क्या, तुमने कभी सोचा कि पेपर क्लियर होने के बाद क्या होगा, नेट जेआरएफ गेट जो भी तुम आईआईटी जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके क्लियर होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद वो तुम्हें और आगे पढ़ाएंगे, उसके आगे रिसर्च है, उसके आगे कुछ भी कहीं भी जाओगे, इनका ये चीजें सीखी इसलिए इसको जिंदगी में तुम अप्लाई कर सको। तुम पेपर क्लियर करके ये कहना चाहते हो कि सर ये कॉन्सेप्ट मेरे को बाकियों से बेहतर आते हैं इसलिए मेरा पेपर क्लियर हुआ है, एग्जामिनर ये सोचते हैं कि हमने वो बच्चे सेलेक्ट कर लिए हैं जो बाकियों से ज्यादा जानते हैं, इन्होंने केमिस्ट्री को समझा, उन्हें क्या पता ये तो कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, ये तो रट के किसी टीचर ने ट्रिक समझा दी, उनको किसी तरह से तुक्के मार के यहाँ पहुंच गए हैं और अब वो जैसे ही तुम्हें काम देते हैं फिर तुम कहते हो सर हमें जो है पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, कंपनीज में हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो उस चीज की बात ध्यान समझो, क्योंकि अल्टीमेट एंड तुम इस सब्जेक्ट का क्या करने वाले हो, इनसे पैसे ही तो कमाने वाले हो, चाहे तुम किसी भी चीज की तैयारी करो, चाहे आईएएस में ही ऑप्शन ले रखा हो तुमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तुम इन सब से एक जॉब लेके वहां से पैसा कमाना चाहते हो इसका इस्तेमाल करके, और जिस चीज पे तुम्हारी पूरी लाइफ बेस्ड है, जिससे तुम लाइफ में अर्निंग करने वाले हो, उसके साथ चीटिंग करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए इतना लंबा लेक्चर दिया है, अदरवाइज मैं भी कहकर निकल सकता था कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है, ध्यान रखना, एक एक बात समझा दूं, सिर्फ बेटा क्लास में जो बातें बताई हैं उसको ध्यान रखना है फिलहाल।